नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है। आज पितामह भीष्म ने नौवें दिन के युद्ध में सेना का ऐसा संहार किया है कि युधिष्ठिर की आत्मा कांप गई। उन्होंने जैसे ही संध्याकाल हुआ, युद्ध समाप्ति के लिए शंखनाद करवाया और सबके साथ मिलकर के वो विचार करने लगे। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि ततो रात्रि समभवत सर्वभूत प्रमोहिनी तस्मिन रात्रि मुखे घोरे पांडवा वृष्ण भीषा। भयंकर भूत प्रेतों से घिरी हुई रात्रि जब शुरू होती है तो युधिष्ठिर वृष्ण भीष है श्री कृष्ण के साथ और सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं मंत्रित्वा चिरंद्रुप और बड़ी लंबी विचार संगोष्ठी उनके बीच में होती है कि करना क्या चाहिए। वासुदेवम समुद्वीक्ष वचनम चेदमागते और फिर श्री कृष्ण की तरफ देख करके युधिष्ठिर ये कहते हैं कि कृष्ण पश्य महात्मानम भीष्मम भीम पराक्रम गजम नल वनानिवम प्रमुद गंतम बलम। ये पितामह भीष्म जो है ना, जैसे कि कोई हाथी कमल नाल वाले सरोवर में घुस जाए और उन कमल नालों को इधर से उधर अस्त व्यस्त तोड़ फोड़ है पूरे उस कमल वन को उजाड़ देता है, उसी प्रकार से परम पराक्रम दिखाते हुए पितामह भीष्म हमारी हालत कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब तक ये अपने भीम पराक्रम दिखा रहे हैं तब तक इस युद्ध में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की मृत्यु का कारण बना हुआ हूं। विजय तो हमें मिलनी नहीं है और फालतू में मैं अपने सभी लोगों को मरवाता जा रहा हूं, क्योंकि आज कैकेयी पांचाल और सोमक इन सबके 14,000 योद्धाओं को एक साथ मार दिया था। तो न युद्धम रोचते कृष्ण हंति भीष्मो हि न सदा। जिस प्रकार से पितामह भीष्म रोज हम लोगों को मार रहे हैं, इस प्रकार का ये युद्ध मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वनम यास्यामि दुर्धर्ष। मैं तो अब ये निर्णय कर लिया है ये युद्ध खत्म और मैं तो वन में चला जाऊंगा, इस युद्ध को आगे चलाना ये मेरे बस का काम नहीं है। समस्या ये है कि मैं इस प्रकार से अगर जाता हूं तो क्षत्रिय का जो धर्म है उसको कलंक लगता है। तो भाइयों के साथ मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि स्वधर्मस्या विरोधेन हितम व्याहर केशव, जिससे हमारा धर्म भी नष्ट ना हो लेकिन इतने सारे लोगों की मृत्यु का कारण भी मैं ना बनूं। कोई ऐसा उपाय हमें बताइए। अब अगर श्री कृष्ण से पूछोगे तो जवाब देंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं धर्मपुत्र विषादम तुम मां कृथा सत्य संग्रह। अरे धर्मपुत्र, आपको तो विषाद करना ही नहीं चाहिए, आपके तो जो भाई हैं वो दुर्जय हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, परम पराक्रमी हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है ना, माम वा नियोक्ष्य सौहार्द्रात् योत्स्ये भीष्मेण पांडव, आप मुझे आज्ञा दो ना, आपके लिए पितामह भीष्म के साथ मैं युद्ध करूंगा, एक बार आप आज्ञा करो। अरे आपके इतने पराक्रमी भाई हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और अगर आपको फिर भी यह लगता है कि यह संभव नहीं है तो आप मुझे आज्ञा करो, क्योंकि यह शत्रु पांडुपुत्राणाम मत शत्रु सन संजया। जो पांडवों का शत्रु है इसमें कोई शंका नहीं, वो मेरा शत्रु है। यानी पितामह भीष्म, अगर आपको यह लगता है कि वो आपके ऐसे शत्रु हैं जो आप में से किसी के हाथ से हैंडल होने वाले नहीं है, तो मैं उनको हैंडल करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहो। मदर्था भवदीया ये मदीया तवई बदे। जो आपके हैं वो मेरे हैं, जो मेरे हैं वो आपके हैं। यानी श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं तो वो स्वयं भी दो बार तो कोशिश कर ही दी है।
तीसरे दिन भी आप देख चुके हैं, तब तो चक्र लेके दौड़ पड़े थे, आज भी उनने देखा तो और कुछ नहीं तो चाबुक लेके पितामह भीष्म के ऊपर। लेकिन अगर थोड़ा सा संतोष रखते हो तो अर्जुन पितामह भीष्म को रणभूमि में परास्त भी करेंगे, और अर्जुन के पास वो शक्ति है कि वो पितामह भीष्म को मार सकते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि आपकी बात सही है, लेकिन अर्जुन ऐसा कोई पराक्रम दिखा रहे हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है। आप इंद्र से लेकर के सबको परास्त कर सकते हैं, आप पितामह को मार सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। आपने ये प्रतिज्ञा की है कि आप बिना शस्त्र उठाए हमारी सहायता करेंगे। न तो त्वाम अनृतम कर तुम उत्सहे स्वात्म गौरवात्, इससे आपकी प्रतिज्ञा भंग हो, और आपकी प्रतिज्ञा अगर भंग हुई तो मेरे धर्म पे भी कलंक लगेगा। इसलिए मैं ये नहीं सोच सकता हूं कि आप पितामह का सामना करें। लेकिन पितामह का आशीर्वाद लेने जब मैं गया था तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं युद्ध तो दुर्योधन की तरफ से ही करूंगा, लेकिन तुम्हें अगर किसी प्रकार की मेरी मदद की जरूरत हो तो एक ये चीज छोड़ करके कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने आ जाऊं, और जो भी तुम्हें सहायता की जरूरत हो वो सहायता मैं करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मेरा ऐसा मन है, युधिष्ठिर कह रहे हैं। देखिए यहां ये कृष्ण की नीति है, कृष्ण ने ऐसा विचार किया, कृष्ण ने ऐसा कहा, इस प्रकार की बात नहीं आती। युधिष्ठिर ये कह रहे हैं कि इसलिए मुझे लगता है कि तस्माद देव व्रतम भूयो वधोपायार्थम आत्मना। मैंने तो उस दिन भी पूछा था उनसे कि आप अपने वध का उपाय बताइए कि आपको कैसे मारा जा सकता है, आप पे जब तक विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक तो हमारी विजय हो ही नहीं सकती है। लेकिन तब उन्होंने कह दिया था कि बाद में आना, तो मुझे लगता है कि अब हमें फिर से उनके पास चलना चाहिए। और कृष्ण ने कहा कि भाई बात ये बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से कृष्ण को साथ में लेकर के पांचों पांडव जो हैं वो पितामह भीष्म के यहां पहुंचते हैं। न किसी ने कवच पहन रखते हैं, न किसी ने कोई अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं, विमुक्त शस्त्र कवचा भीष्मस्य सदनं प्रति। पितामह भीष्म यहां पहुंच गए हैं। अब देखिए पितामह भीष्म का जो भी आप कहिए वहां मंडप बना होगा या जो भी उनका स्थान है, दुर्योधन ने उसकी सुरक्षा के कम उपाय तो नहीं किए होंगे। और फिर भी अगर पांडव वहां जा सकते हैं, यही धर्म युद्ध था और यही धर्म क्षेत्र था कि रात्रि होने के बाद सब एक दूसरे से मिल सकते थे। दिन में युद्ध है और रात्रि में फिर से सब मित्र हो जाएं, एक दूसरे का हालचाल पूछ पाए, ये उस समय था। सिरो भी प्रणिपेदिरे, जाकर के पितामह भीष्म को सबने प्रणाम किया है। पितामह कहते स्वागतम तब वार्ष्णेय, स्वागतम ते धनंजय, स्वागतम धर्मपुत्राय भीमाय यमयोस्तथा, सबका स्वागत किया। आओ श्री कृष्ण तुम्हारा स्वागत है, अर्जुन तुम्हारा स्वागत है, धर्मपुत्र युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सबका स्वागत करते हैं पितामह भीष्म। पूछा गया है, आने का कारण तो पूछा जाएगा ना, खाली स्वागत तो नहीं। तो युधिष्ठिर कहते कि मंडले नैव धनुषा दृश्यते संयोगे सदा, आप जब भी रणभूमि में होते हैं आपका धनुष हमेशा गोल ही दिखता है। गोल दिखने का अर्थ यह है कि जब आप दोरी खींच के बाण चढ़ाते हैं तो उस समय ऐसे आगे से और पीछे से धनुष गोल हो जाता है। आपने खींचा बाण छोड़ा और फिर से खींच गया, फिर से छूट गया, यानी हमेशा आपका धनुष गोल ही दिखाई देता है। आददानम संददानम विकर्षंतम धनुर्नच, कभी ये तो दिखाई नहीं देता है कि कब आपने बाण छोड़ा, कब फिर से बाण चढ़ाया, यानी लगातार कितनी फुर्ती के साथ आप युद्ध करते हैं। और जब तक आप इस प्रकार से युद्ध करते रहेंगे तब तक मम सैन्यस्य क्षेमं तन्मे ब्रूहि पितामह, भाई हमारी या हमारी सेना की कुशल चयन तो कैसे हो सकती है। आप पूछ रहे हैं कि हमारी कुशलता, तो हमारी कुशलता हम आपको कैसे बताएं, हमारी कुशलता जब तक आप इस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं कैसे हो सकती है। तब पितामह कहते हैं निर्जिते मैं युद्धे ने रणे जीत से पांडव,
जब तक रणभूमि में मुझे नहीं जीतोगे तब तक तुम्हें युद्ध में विजय नहीं मिल सकती है। अगर युद्ध में विजय चाहिए तो पहले मुझे अपने रास्ते में से हटाओ। अब देखिए, यह है पितामह भीष्म की पीड़ा। एक पूरा पौत्रों का कुल है, वो कहता है कि तुम ठीक से युद्ध नहीं करते हो, जिनके लिए लड़ रहे हैं हट जाओ रास्ते से, तुम्हें कर्ण को लाकर के युद्ध करवाऊं। दूसरा पक्ष है कि तुम इस तरीके से युद्ध कर रहे हो कि हमें जीने नहीं देते हो। अब आप बताइए, ऐसे में पितामह को एक ही मार्ग श्रेष्ठ लगता है कि मर जाऊं तो अच्छा। ऐसी घड़ी युद्ध जिस दिन शुरू हुआ उस दिन पितामह के मन में यह स्थिति नहीं थी, क्योंकि तब भी युधिष्ठिर ने पूछा था कि हमें उपाय बताइए कि हम आपको कैसे रास्ते में से हटा सकते हैं। तब नहीं बताया था, तब कह दिया था, साफ कह दिया था, जाओ फिर कभी आना, अभी वो समय नहीं आया, मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ। लेकिन आज पितामह स्वयं पांडवों से ये कहते हैं, अनुजानामि वह पार्था प्रहरद्धुम यथा सुखम, मैं जानता हूं मेरी मृत्यु कैसे, मैं तुमको सबको आज्ञा देता हूं बिल्कुल भी दया नहीं करो और संपूर्ण शक्ति के साथ मेरे ऊपर प्रहार करो। एवं ही सुकृतम मन्ये भवताम विदिताम हेयम, इसी में मैं अपना कल्याण देख रहा हूं। यहां पितामह को जीना अब मुश्किल लग रहा है। इस दुर्योधन के लिए अगर जीते भी हैं तो जीने का फायदा क्या है, और ऐसे श्रेष्ठ पांडवों के लिए अगर मर भी जाना पड़े तो इससे उत्तम और कोई मृत्यु नहीं हो सकती है। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ब्रूही तस्माद उपाय नो यथा युद्धे जये मई, अगर आप कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर आक्रमण करें, अगर आप कह रहे हैं कि हम आपको मारें, तो बताइए कि युद्ध में हम क्या कर सकते हैं। तब भीष्म कहते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि जब तक मेरे हाथ में धनुष है तब तक किसी की ताकत नहीं है कि मुझे रणभूमि में पराजित कर सके। हां, मैं अपने शस्त्रों का परित्याग कर दूं, ततो माम न्यस्त शस्त्रम तू एते हन्युर महारथ, तो ही कोई महारथी मुझे मार सकता है। अब अस्त्र परित्याग का कारण बताते हैं कि आपकी सेना में शिखंडी है, जो पहले स्त्री था, जन्म से स्त्री था, आज भले आपके लिए वो पुरुष होगा लेकिन मेरे लिए आज भी वो स्त्री है, अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो मैं शस्त्रों का परित्याग कर दूंगा, और जैसे ही मैं शस्त्रों का परित्याग करूं, अर्जुन समरे सूरा पुरुषकृत्य शिखंडिनम, उस शिखंडी को आगे रख के, क्योंकि अर्जुन आगे आ जाएगा तो मैं धनुष उठा लूंगा, शिखंडी अर्जुन के आगे रहे और अर्जुन मेरे ऊपर बाण चलाएंगे तो वही बाण ऐसे हैं जो मेरे शरीर को बींध सकते हैं। अर्जुन और कृष्ण के अतिरिक्त किसी के बाणों में वो शक्ति नहीं है जो मेरे शरीर का भेदन कर पाए। भाई अगर शस्त्र छोड़ भी दिए तो कवच जो पहन रखा है उस कवच का भेदन हर किसी से नहीं होने वाला, और भैया कवच का भेदन भी हो जाए तो कवच के अंदर जो मेरा शरीर है ना, इसमें से प्राण ऐसे नहीं निकलेंगे। रिते कृष्णान महाभागात पांडवात वा धनंजय, पांडवों में धनंजय और श्री कृष्ण ये दो ही ऐसे लोग हैं जिनके बाण मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। यानी शिखंडी के सामने में जब शस्त्रों का परित्याग कर दूंगा तब भी ध्यान रहे, शिखंडी 1000 बाण भी मुझे मार देगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, भीम भी आकर के बाणों की वर्षा करेंगे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अरे तुम्हारी सेना का कोई भी योद्धा शिखंडी के पीछे रह करके बाणों की वर्षा करेगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सिर्फ श्री कृष्ण और अर्जुन के बाणों में वो शक्ति है कि जब मैं शस्त्रों का परित्याग कर दूं तो
वो मेरे शरीर का भेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से संजय कहते हैं कि पितामह भीष्म के पास से उनके वध का उपाय जान करके पांडव वहां से प्रस्थान तो करते हैं, मन प्रसन्न है, लेकिन अर्जुन अत्यंत दुखी है। बात स्पष्ट हो गई है कि कृष्ण अर्जुन के अलावा और कोई मार नहीं सकता है, और कृष्ण तो मारेंगे नहीं, उन्हें तो शस्त्र उठाने नहीं है, अगर उठाने भी चाहें तो अर्जुन तो उठाने नहीं देंगे। तो अब यह काम सिर्फ अर्जुन के सिर पर रह गया। अर्जुन को यह लगता है क्रीडता ही महामायावाल्य, बचपन में मैं इनकी गोदी में खेला हूं, कितने बार मैंने इनके कपड़े खराब किए हैं, और आज उन्हीं पितामह को मुझे मारना है। ये वासुदेव महामना पांसु ऋषित गात्रिणे महात्मा परुषीकृता, जिन्होंने मेरे शरीर पे लगी हुई धूल को कभी धूल नहीं समझा, हमेशा अपने श्वेत वस्त्रों से मुझे साफ किया, आज मेरे ही बाणों से मुझे उनको मारना है। जो कामम उपद्यतु सैन्यम में नाहम योत्से महात्मना, चाहे वो मेरी पूरी सेना का संहार कर दें, मैं उनके साथ युद्ध करना अलग चीज है, उनको मार दूं, वो भी शिखंडी को आगे रख के इस प्रकार से छद्म बन के। जयो वास्तु वधो या में कथम वा कृष्ण मरने से, चाहे मेरी जय हो चाहे मेरा वध हो जाए, लेकिन फिर उनको लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कृष्ण इस काम को करेंगे। तो आधी बात कहते कहते अर्जुन फिर से होश में आते हैं और फिर कृष्ण से कहते हैं ये विजय हमारे लिए योग्य है या वध। तब कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही सब कुछ ज्ञान दे दिया है, उन्होंने फिर से कहा है प्रतिज्ञाय वधम जिष्णु पुरा भीष्मस्य संयोगे, तुमने पहले इस चीज की प्रतिज्ञा की है कि अगर तुमसे युद्ध करेंगे तो तुम पितामह का वध करोगे, तो क्षत्रिय होकर के तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते हो। और यह कहा गया है जायाम समपिचेद वृद्धम गुण ही अपि समन्वितम आतताइन मायांतम हन्यात घातक मात्मना, आपसे बड़ा हो, आपसे श्रेष्ठ हो, आपका गुरु हो, आपका वयोवृद्ध हो, लेकिन अगर आपको मारने के लिए आया है तो ऐसे व्यक्ति को मारना ही चाहिए, ये स्पष्ट हमारे शास्त्र कहते हैं, तो और क्षत्रियों का ये स्पष्ट धर्म है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना भी दी है और फिर से वही उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है कि नहीं कल तुम्हें पितामह भीष्म को मारना ही है। सभी पांडव जब पितामह के यहां से निकले हैं तो पितामह के वध का उपाय आज उनको मालूम पड़ गया है, उनके शरीर में रोमांच हो रहा है, सभी अत्यंत आनंद में हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं ते वयम प्रमुखे तस्य पुरस्पृंदे सखिंडिनम गांगेयम पातिश्यामे उपाय नेति गति, वो कहते हैं कि अब तो उपाय पता चल गया, तो शिखंडी को आगे करके कल अवश्य ही हम गंगा पुत्र को समर भूमि में गिरा पाएंगे। और इस निश्चय के साथ आनंदित होते हुए रोमांचित होते हुए सारे पांडव अपनी सेना में वापस आते हैं। अब कल के युद्ध में क्या होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है, कहते तो उसको धर्म युद्ध है लेकिन आप देख लीजिए यहां धर्म भी किस प्रकार से बदलते रहते हैं। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।